तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है कि फॉरएवर में हमें 2cc और 5k से हम किससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है कि हम 2cc करेंगे, क्या बेनिफिट है कि हम 5k करेंगे, हम 5k से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम 2cc से भी कर सकते हैं, क्या है ये सारी चीजें, हमें क्यों नहीं समझ आ रही है, तो ये दोनों टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल पूनम हाउस वाइफ एंड माई नेम इज पूनम यादव, आई एम प्राउड TLF क्रिएटर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमें क्या होता है, जब हम फॉरएवर में बिजनेस करना चाहते हैं हमें सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है ना। आपको ये भी पता है कि 2cc करना होता है, आपको ये भी पता है हम 5k से भी अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहते हैं। बट मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप 2cc से करेंगे तो क्या उसके बेनिफिट है, और अगर आप 5k से करेंगे तो क्या इसके बेनिफिट है। सपोज डैट अगर आप 5k से करते हैं, है ना, अगर आप 5k से करते हैं तो बेनिफिट आपके ये है कि आप अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही रन कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। आपके पास जो भी कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो आप उसको अपने अंडर ज्वाइन करा सकते हैं ओनली आप इंडिया के अंदर, और आप इसमें ओनली प्रेफर कस्टमर के नाम पर ही जाने जाते हो, आप इसमें बिजनेस ओनर नहीं बनते हो क्योंकि आपने 5000 की बिलिंग की है और वहां से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो फॉरएवर की ये भी पॉलिसी है कि आप 5k से भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट 5k में आपको क्या और प्रॉफिट रहेगा, 5k में देखिए आपको अगर आपके डाउन में जो भी कोई आपके साथ बिजनेस करना चाहता है तो उसका आपको 25% मिलेगा, 25% कमीशन मिलेगा। देन अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, है ना, आप अपने प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं और वहां से आप क्या अर्न कर सकते हैं, वहां से आपको 5% ओनली ऑन 5% ही मिलता है। अब बात आती है कि चलिए हम 5k से भी कर लेते हैं, क्या हम 5k से करेंगे तो हमें सारी जो मीटिंग्स हैं वो हमें दी जाएंगी कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ और किसी की नहीं, क्या मैम हम आपके साथ 5k से स्टार्ट करेंगे तो क्या हमें सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ऐसा तो नहीं हम 5k से करें और हमारे साथ जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, या फिर हम करें हमें कुछ चीजें बताई जाए कुछ चीजें नहीं बताए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। अगर आप 5k से करते हैं तो भी आपको वही सारी मीटिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं हम 2cc। अब देखिए 2cc क्या है, 2cc एक परमानेंट लेवल होता है। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आपने सोच लिया है कि मुझे बिजनेस करना है और आपने कहीं ना कहीं इस बिजनेस को सोचा है कि मैं लॉन्ग टर्म करना चाहती हूँ या चाहता हूँ जो भी कोई है, बट अगर आपने सोचा है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, और एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप 5k से कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट 2cc से करिए, वहां आप अपने 7 से 8 हजार रुपए अपने सेव कर पाते हो। जब आप 5k से करते हो तो उसमें आपको ओनली 2 consecutive months मिलते हैं जिसमें आपको अपना 2cc डन करना होता है। तो देखिए हमें, अगर आप सोचो कि मुझे क्या कमीशन आएगा, तो मुझे दोनों तरीके से आ रहा है, अगर मैं 5k से करोगे आप लोग तो भी आएगा, और अगर आप 2cc से करोगे तो भी आएगा। तो आप अपना सोचिए कि आपको किसमें बेनिफिट है। अब बात करते हैं कि 2cc में, तो 2cc अगर आप करते हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्लोबली रन कर सकते हैं, 170+ countries में, 165+ countries में आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आप अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका रिटेल होता है, बात अब ये आती है कि हम तो प्रोडक्ट रिटेल होता ही नहीं है, तो जी नहीं, हम अपना प्रोडक्ट रिटेल कर पा रहे हैं, वो किससे कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, आप मुझे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हम वहां से जैसे रिटेल करते हैं तो वहां से हमें 30% कमीशन मिलता है। अब बात करते हैं अगर हमारे डाउन में कोई हमारे साथ ऐड होता है तो उसका हमें 25% कमीशन आता है। तो 2cc का बेनिफिट ये है। अब बात आती है कि चलिए कोई बात नहीं, हम तो अपने बिजनेस को ना इंडिया में रन करना चाहते हैं, हम तो 5k से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप 5k से कर सकते हो। आप सोचेंगे कि 2cc करने से क्या है, क्योंकि हम तो 170+ या 165+ countries में तो नहीं जा रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस को वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हम 2cc करें, इससे अच्छा हम 5k से कर सकते हैं। जी सही बात है, आप अदर कंट्री में जा रहे, जाने को तो आप इंडिया के अंदर सारी जो भी स्टेट है उसमें भी नहीं जा रहे हो, बट हम जाएंगे कैसे वो हम आपको बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ऑटोमेशन के थ्रू जा सकते हैं, आप ऑटोमेशन के थ्रू अपने बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप अपने बिजनेस को ग्लोबली रन कर सकते हैं।
अब बात आती है कि तो फिर 2CC करना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, 2CC करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2CC जो होता है वो परमानेंट लेवल होता है। इससे क्या होता है कि आप लाइफ में ये आपको वन टाइम ही अचीव करना होता है। इसके बाद जो भी आपके लेवल आप होते हैं, वो लेवल आप अगर आप जैसे जैसे अपना बिजनेस करते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी टीम बिल्डअप होती चली जाती है, आपके लेवल अप होते चले जाते हैं। अब बात आती है कि तो हमें अगर जैसे मान लीजिए अगर हमने AS लेवल कंप्लीट कर लिया है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, तो उसके बाद हमें अपना लेवल सुपरवाइजर तक लेने के लिए हमें क्या पैसा लगाना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा आपको। उसमें आप अपनी जैसे टीम बनाते हो, उसके थ्रू आपके लेवल अप होते रहते हैं। जैसे जैसे आप बिजनेस करते हैं, जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हैं, आपके लेवल अप होते जाते हैं। तो ये है पावर ऑफ 2CC और 5K। 5K से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं और 2CC से भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन आपको ही चूज करना है कि आप 5K से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या 2CC से। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूं जैसे कि आप ना क्विक डिसीजन ले पाओ और अपने बिजनेस को बिल्डअप कर पाओ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई पैसों का इशू नहीं है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपने कहीं ना कहीं माइंड में सोच लिया है कि हाँ मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आप डायरेक्ट 2CC से कीजिए और अपने 7,000 से 8,000 रुपये आप सेव कीजिएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में उसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, लोग बोलते हैं कि हम 2CC कर लेंगे, मान लीजिए हमने 2CC कर लिया, बट हमारे पास जो इतने सारे प्रोडक्ट आएंगे उसका क्या होगा? जी आप टेंशन मत लीजिए, वो सारे प्रोडक्ट आपके रिटेल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो हम आपको बताएंगे, है ना। अब लोग बोलते हैं कि पहले हम 5K से करके देखते हैं, क्या पता ना चला तो। ठीक है, क्या पता ना चला तो इसमें आपके ही खुद क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद पर डाउट है। जब हमें खुद पर डाउट होते हैं तब हम ये क्वेश्चन करते हैं, बट कौन किस टीम में किस तरीके से वर्क कर रहा है मुझे नहीं पता है, बट मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ हमें खुद पर डाउट नहीं करना अगर आप हमारी टीम है तो, क्योंकि हम आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते ही हो और करते ही हो। बट हमें ये नहीं सोचना है कि जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया, आज हमने स्टार्ट कर दिया, कल से हमारा पैसा आना लगे या परसों से आने लगे या 10 दिन बाद आने लगे या 15 दिन बाद। जी नहीं, आपको कम से कम कंसिस्टेंसी के साथ आपको वर्क करना है। 10 से 15 दिन तक तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंस होना है, हो सके तो महीने भर तक आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और ऑटोमेशन के थ्रू जब मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या ऑटोमेशन से सच में रिजल्ट आता है अगर हम 2CC कर लेते हैं। बिल्कुल रिजल्ट आता है। अगर आप करना चाहते हैं तो ओवर थिंकिंग ना कीजिए, आप स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और हमारा ऑटोमेशन किस तरीके से वर्क करता है या फिर हम अपनी टीम में किस तरीके से वर्क कर पा रहे हैं, आप भी चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि जो लोग है ना कंफ्यूज रहते हैं 5K और 2CC में, वो आज डिसाइड कर पाए कि 5K से हम क्या करेंगे और 2CC से हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चलिए ये मैंने आपको दोनों डिफरेंसेस बता दिए हैं, डिसाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कैसे करना है। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्णा।